नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि बासी मुंह गुनगुना पानी पीने से आप घर बैठे बैठे बहुत सारे भयंकर रोगों को कैसे दूर कर सकते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपकी मुंह की लार आपके शरीर के रोगों को दूर कर सकती है और ऊपर से अगर गुनगुना पानी पी लिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले अपने मुंह के लार की फायदे दोस्तों आपने देखा होगा जो आपके आसपास जानवर होते हैं, जब उनको कोई चोट लग जाती है तो वो अपनी जीभ से अपनी उस चोट को चाटने लगते हैं और हमें लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, लेकिन उनकी मुंह की थूकी होती है जो उनकी चोट का दर्द कम कर देती है और उनके घाव को भर भी देती है। इसी के साथ आपको दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जब बच्चे पहले के जमाने में छोटे होते थे तो जब उनको चोट लगती थी और उनकी उंगली में से खून आ जाता था तो वो सीधा उंगली अपने मुंह में डालते थे और उनका खून रुक जाया करता था। लेकिन आजकल के टाइम में हम लोगों को या बड़े होते होते मॉडर्निटी में आते आते हम सब इन सब चीजों से घृणा करने लगे हैं और सीधा हम जाते हैं डॉक्टर के पास और हर चीज का सलूशन हम समझते हैं गोली खाकर ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे में हमें अपनी लार के फायदे पता ही नहीं होते हैं। आपने कभी नोटिस करा होगा या मैं आज से आपको एक बात बताना चाहूंगी, आपके शरीर में कहीं भी दाग है, खाद है, खुजली है तो आप क्या करें, उस पर अपने मुंह की सुबह की जो बासी लार होती है ना, जब आप सुबह उठें उसको बर्बाद ना करें, वो मुंह की लार अपने उस जख्म पे या जहाँ भी आपके दांत खुजली है वहाँ पर लगाएं। एक महीना लगातार लगाने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी दांत खाद खुजली गई कहाँ। अगर आपके चेहरे पर कई पिंपल्स हो रहे हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, सुबह उठकर अपनी बासी थूक अपने पिंपल्स पर लगानी चाहिए, अपने झाइयों के मार्क्स पर लगानी चाहिए। आपके पिंपल तो दबेंगे और आपके पिंपल के निशान भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी जो मुंह की लार होती है ना उसमें ऐसे तत्व होते हैं, एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो सारे इन्फेक्शन को खत्म करता है। और ये मैं नहीं कह रही, आयुर्वेद में भी 3000 साल पहले ऋषि भांगवर ने लार के औषधीय गुणों के बारे में बहुत कुछ बताया था और वही चीजें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपके भी डार्क सर्कल बहुत ज्यादा है तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सीधा डॉक्टर के पास जाते होंगे, कोई दवाइयाँ लेते होंगे, लेकिन आप इसका इलाज घर बैठे बैठे कर सकते हैं। सुबह उठकर अपनी बासी थूक आपने अपनी आंखों के नीचे लगानी है और उनको हल्के हाथों से मसाज कर छोड़ देना है। इसके साथ साथ अगर आपकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है तो आपने क्या करना है, अपनी मुंह की लार को सुबह उठते ही काजल की तरह अपनी आंखों में भर लेना है। इससे आप 15 दिन में नोटिस करेंगे कि आपकी आंखों के आगे जो धुंधलापन था, आपको हमेशा चश्मे की जरूरत पड़ती थी या आपकी आंखों में से पानी आता था, वो सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी और आपकी आंखें पहले से ज्यादा हेल्दी हो जाएंगी, आपकी आईसेट भी तेज हो जाएगी। अगर आपको पाचन तंत्र बहुत ज्यादा खराब है, आपको हमेशा पेट में एसिडिटी रहती है, पेट फूलने की समस्या है आपको, साथ में आपको कब्ज की समस्या रहती है, तो इसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप बासी मुंह यानी अपनी लार को बर्बाद ना करें, ब्रश ना करें, थूके नहीं, बल्कि ऐसे ही 3-4 ग्लास गुनगुना पानी पिए। तो जब आप पानी पियेंगे जो आपकी मुंह की लार आपके पेट में जाएगी तो आपकी जो पेट की गर्मी है उसको शांत करेगी, एसिडिटी को शांत करेगी, आपके पाचन तंत्र को बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाएगी। अब इसके साथ हम बात कर लेते हैं, यहाँ तो हमारी बात हो गई मुंह के लार से होने वाले फायदों के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम सुबह उठकर बासी मुंह गुनगुना पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं और हम किन भयंकर बीमारियों से घर बैठे बैठे इलाज कर सकते हैं। अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा रहता है और इसके लिए आप बहुत टाइम से गोली खाते आ रहे हैं, बहुत पुराना बीपी है आपका, तो भी अगर आप सुबह उठकर 3-4 ग्लास पानी बासी मुंह पियेंगे बिना अपनी थूक बर्बाद किए तो आप कुछ ही दिनों में नोटिस करेंगे कि आपकी बीपी की समस्या बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब आप बीपी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सीधा गोली पकड़ाता है। और आजकल हमें भी हर बीमारी के लिए कहा जाएगी ये घोल के पी लो, ये घोल कर लगा लो, तो आपको झंझटबाजी लगती है। हम क्या सोचते हैं कि ठीक है, टाइम किसके पास है, अगर फेस पे कोई पिंपल हुए हैं या शरीर से कोई भी बीमारी हुई है तो सीधा डॉक्टर के पास जाओ, एक गोली खाओ, टाइम भी बचेगा और आराम से बीमारी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आप जितना पैसा कमा रहे हैं अगर वो दवाइयों में ही लगाना है तो ऐसी कमाई का क्या फायदा। तो स्वस्थ रहें बल्कि घर बैठे बैठे ऐसी चीजों को फॉलो करें जिससे आप बीमारियों से दूर रहें और आपके पैसे भी बचें। इसके साथ आपने देखा होगा कि बेलपत्र जो भगवान जी शिव जी को चढ़ाया जाता है उसकी बहुत महत्वता होती है कि उनको बहुत पसंद है, लेकिन उसी बेलपत्र को अगर आप उसी की जो पत्तियां हैं चबा चबा कर खा लें तो इससे आपका बीपी भी जो है वो घर बैठे बैठे कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहे
तो आपको सुबह उठकर यानी जो आपने 7 से 8 घंटे की नींद ली, आपको उसके बाद पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि जो आपके शरीर में पहले से पानी था रात भर का, वो आपका बॉडी यूज कर चुकी होती है। और सुबह उठ के आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, इसलिए आपको सुबह 3 से 4 ग्लास पानी पीना चाहिए, जिससे आपके शरीर में इंस्टेंट एनर्जी आती है और आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। और आपके जो जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं यानी बॉडी में जितने भी हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, उसको बहुत अच्छे से क्लींस करता है और आपके यूरिन के थ्रू वो टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। मतलब आपकी बॉडी अंदर से बिल्कुल साफ हो जाती है अगर आप सुबह उठते ही 3 से 4 ग्लास बासी मुंह गुनगुना पानी पीते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज रहे, आपके बच्चों का दिमाग तेज रहे, तो इसके लिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। यदि आपका सही हाइड्रेट नहीं होगा तो आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने दिमाग की कमजोरी को दूर करने के लिए, अपने तनाव को दूर करने के लिए, आपने सुबह बासी मुंह पानी पीने की आदत बनानी है। लेकिन इस आदत को सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी भर के लिए अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। फिर देखिएगा कि कैसे आपकी जिंदगी खुशनुमा बीतती है। अगर आप भी चाहते हैं अपने वजन को घटाना, जो आजकल हर किसी की मनोकामना सी बन गई है और जो पूरी नहीं हो पाती, इसके लिए आप बहुत जद्दोजहद करते हैं, तो ऐसे के लिए सबसे पहले दिन की शुरुआत आप 3 से 4 ग्लास पानी से करें, बासी मुंह वो भी गुनगुना पानी। इससे क्या होगा, आपके शरीर में जहाँ भी फैट है और जो भी टॉक्सिन्स जमा है, जो वेस्ट है, वो चर्बी पिघलेगी, आपके पॉटी के थ्रू, आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगी और आपका वेट लूज होगा। और ये आपकी एक्स्ट्रा क्रैविंग को कंट्रोल करता है, जिससे आपको भूख कम लगती है और आप ज्यादा एक्स्ट्रा खाना नहीं खाते हैं। तो जब भी पूरे दिन भी अगर आपको खाना खाने का जब टाइम हो, तो 1 घंटा पहले 2 ग्लास पानी पी लें। आप खुद भरा हुआ फील करेंगे और आप नोटिस करेंगे कि आप खाना ज्यादा नहीं खा पाए हैं। और ऐसे ही पूरा दिन पानी की रेशो ज्यादा रखें तो आपका वजन कम से कम 1 महीने में 7 से 8 किलो कम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं। अब बात आ जाती है अपनी त्वचा को चमकाने की, जो आजकल हर किसी का सपना है, चाहे लड़का हो या लड़की। हम चाहते हैं हमारी स्किन पे ग्लो हो, हमारी स्किन पे कोई भी एलर्जी ना हो और हमारी स्किन एकदम साफ दिखे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सुबह उठते ही बासी मुंह पानी पीना है। इससे आपकी त्वचा और रंगत दोनों निखरेंगे। आपके जितने भी फेस पे पिंपल्स, एक्ने की समस्या थी, आपकी जो भी झुर्रियां आती जा रही थी, समय से पहले रूखापन आ गया था, वो दूर हो जाएगा। इसके साथ अगर अपने बालों को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो पानी पीना शुरू करें। अब आप कहेंगे पानी से बालों का क्या लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। आपके जो स्कैल्प को यानी आपके जो सर को, खोपड़ी को जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं, हाइड्रेशन चाहिए होती है, उनका पीएच लेवल जो मेंटेन करना होता है, वो पानी की वजह से होता है। अगर आप पानी पियेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली सर में ड्राइनेस नहीं होगी, जिससे आपके डैंड्रफ नहीं होगा और आपके जो बाल हैं जो कमजोर हो चुके हैं, बढ़ नहीं रहे, वो मजबूत होंगे और ज्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। तो प्लीज आज से ही इसको पीना शुरू करें और फिर देखें आपकी जिंदगी कितनी बेहतरीन हो जाएगी। कमेंट करके जरूर बताना, अपनी लार का इस्तेमाल जैसे मैंने बताया वो भी करना और पानी भी जरूर पीना। तो ऐसे ही हमेशा कुछ बेहतरीन देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो छोटा सा घंटी आइकन होता है उसको तो जरूर प्रेस किया करें, ताकि जब भी मैं आपके लिए कुछ ऐसा इनोवेटिव लेकर आऊं तो आप उसको देख सकें। और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनकी जिंदगी भी बहुत खुशनुमा बन सके। ऐसे ही खूबसूरत प्यार देते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।